श्रद्धा की होती है या कोसी देवी की होती है। हमारा मेरा और श्रद्धा का प्लान था है कि इनको इन लोगों को इतना डराना है कोसी देवी एंड फैमिली को कि ये लोग घर छोड़ कर चले जाएं। पर जब अपनी खुद की ओके तो क्या प्लान नाकामयाब हो गया थक्की बताइए पहले तो क्या प्लान था। प्लान ये था मेरा और श्रद्धा का कि कोसी देवी और मेरे चाचा जी उनके परिवार को इतना डरा देना है यहाँ पर क्योंकि उन्होंने श्रद्धा को यू नो मारने का पूरा प्लान बनाया, मारा भी उसको। फिर हम लोग का प्लान था कि कैसे ना कैसे करके वो चाकू बदला, नकली चाकू दिया और ब्लड की जगह टमाटो केचप का वो डाला। इन लोगों को लगा कि वो मर गई, तो हमारा ये प्लान था कि इन लोगों को लग गया है वो मर गए, इन्होंने मारा है, अब श्रद्धा भूत बनकर इनको डराएगी। तो प्रॉपर भूत वाला अवतार लेके श्रद्धा इनको प्रॉपरली डरा रही थी और ये इतना इस हद तक डर गए कि घर छोड़ के जा भी रहे हैं। पर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड और एकदम मतलब मुझे खुद शॉक लग रहा है श्रद्धा उनकी सहायता से हो गई। नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो भूत बन के वो। इनफैक्ट सब कुछ इतना अमेजिंग चल रहा था, लोग चले गए थे इस घर से एंड देर आर सो मैनी गुड न्यूज़ इन द फैमिली नाउ। सब कुछ ठीक था पर एट लास्ट श्रद्धा ने पता नहीं क्यों क्या बोला है उनको और पूरी फैमिली के सामने ये कॉन्फेस किया कि मैंने श्रद्धा को ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए, मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती की है और मैंने बोला श्रद्धा को कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूँगी। मतलब मैंने एंड यू नो पासा ही पलट गया। ओके अब क्या कुछ प्लान करने वाली है? अब तो ये ना अकेली रह गई सबकी, श्रद्धा भी नहीं है साथ में, अब क्या कुछ होने वाला है? क्या प्लान मैं नहीं करती हूँ, प्लान तो भगवान जी करते हैं मेरे लिए और आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव बिहान फ्रॉम फोसी और चाचा, मुझे पता है उनके गलत मकसद हैं। सो वापस आ गई हैं इस घर में मेरे लिए तो और टेंशन हो गई है। अरे हमारे सेट पर आजकल कट करवा रही हैं, मक्खियाँ बहुत सारी आ गई हैं पता नहीं कैसे। श्रद्धा कहती है हाँ सारे लोग कह रहे हैं टीआरपी के लिए सिमर आ गए हैं, श्रद्धा कह रही है कि उसके बालों की वजह से आ गए हैं मक्खियाँ। या अब क्या प्लान हुए वो बात करते? प्लान तो पता नहीं अब मुझे क्या करने वाली है ये बिहान, अब वही है अब सबको ही खिलाफ हो गया है मेरा। मुझे यही डर है कि यू नो बिहान के साथ ये बुरा करेंगी और परिवार के साथ, अब हर कोई खिलाफ हो गया जब मेरा, अब तो बिलीव ही नहीं बिहान भी बिलीव नहीं करेगा। अब मैं नहीं जानती आगे क्या करना है, मुझे बिल्कुल अकेले लग रहा है। Thank you.